जयपुर SOS बालग्राम में वार्षिक उत्सव और सह स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। संस्था के संस्थापक डॉक्टर हरमन माइनर की 100वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विशिष्ट अतिथि जिला बाल संरक्षक निदेशक निष्काम दिवाकर मौजूद रहे। मंत्री प्रताप सिंह ने SOS बालग्राम के कार्यों की सराहना की और कार्यक्रम के दौरान कछुआ संस्था की ओर से ट्रैकिंग फुटप्रिंट ऑफ द सेटल यूथ पुस्तक का विमोचन भी साथ ही किया गया। और इसके अलावा खाचरियावास ने विभिन्न परीक्षा परिणामों में उच्च अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया। SOS की टीम थी और SOS में आकर ऐसा लगता है कि मेरा खुद का परिवार है और आज उन बच्चों को जरूरत है। आज भी 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं इस देश में बाकी नहीं, उनको परिवार का माहौल SOS देता है। जो लोग कहीं धर्म संस्कार और पुण्य कमाना चाहते हैं उनको SOS में आकर देखना चाहिए कि धर्म क्या है। जहाँ बच्चे की जाति का पता है ना धर्म का पता है, लेकिन बच्चे को यहाँ लाकर उसको परिवार के रूप में माँ देना, माँ के साथ साथ ऐसा माहौल देना जिसमें उसको लगता है कि यही मेरा परिवार, और ऐसा सिर्फ करते नहीं है करके दिखा दिया है। और आज से नहीं हो रहा, 1950 में मिस्टर नेहरू ने जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने डॉक्टर हरमन से रिक्वेस्ट की कि आप SOS की टीम इंडिया में लेकर आइए, फिर इंदिरा जी जुड़ी और आज SOS सब जगह सेवा का काम कर रहा है। जयपुर का जो ग्राम है अमर ज्योति, ये अपने हिंदुस्तान का दूसरा ग्राम जो शुरू हुआ है 1970 में हवन महिला साहब यहाँ आए थे। ये जो ज़मीन जो है ये हमारे परिवार को दी गई थी शमशान घाट के रथ जैसे, यहाँ क्षत्रिया हैं, पूर्वज जो हैं मोतीलाल अटल जो इंदिरा गांधी के परदादा थे उनकी क्षत्रिया हैं। तो ये ज़मीन उसकी जगह उनको डोनेट कर दी थी SOS को और तब से शुरू। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।